जी बेटा सुनिएगा ध्यान से, आपको भी मैट्रिक्स दी जाए ए 1 2 4 6, भले 2 बाय 2 ऑर्डर की हो या 3 बाय 3 ऑर्डर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपसे बोला जाए कि उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो, तो बेटे खुद सोचो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत लंबी नहीं हो जाएगी कि पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें जी, फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करवाएं। तो इसका शॉर्टकट याद रखना बेटे, हमारी बुक में ही दिया हुआ है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, तो सिंपल आप उसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकाल लें, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी सिंपल तुम क्या काम करना, उस मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाना, 1 2 4 और 6 इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो 6 5 बन जाएगा 6, 4 2 बन जाएगा 8, लेकिन लिखेंगे -8। बेटे 6 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करवा लो, तो -2 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करवाएंगे तो बेटे आंसर आ जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया बेटे, 4 आ गया ना। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी जो आंसर होगा ना, वो 4 के ही बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, बाकी बेटे मैट्रिसेस के हवाले से जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज वगैरह तो सारी आपको जहन में होनी चाहिए जो आपने पढ़ी थी, लेकिन मैं जरा आपको एमसीक्यू बेस्ड चंद चीजें लिखवा रहा हूँ बेटे, इंपॉर्टेंट जरा ये इसको देख लीजिएगा और प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से पेपर में सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हर साल ही। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे, अब याद रखना बेटे, पहली प्रॉपर्टी तो ये याद रखो कि कभी भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी और उसका इन्वर्स निकालना हो, तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे ना, तो इन दोनों का ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इसका आंसर बनेगा। यानी ये दोनों की पोजीशन जो होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्म में हो और उसका इनवर्स निकालना हो, तो अंदर वाली जो सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, दोबारा सुन लीजिए। अगर ए 2 के बजाय बेटे 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो और उसका इन्वर्स निकालना हो, तो बेटे जो सबसे आखिर में होगा ना, वो सबसे पहले आ जाएगा। जो बीच में था बेटे, बीच की वाले की बात वैसे कोई नहीं सुनता, वो बीच में ही रहेगा, और जो पहले वाली मैट्रिक्स थी ना, वो सबसे आखिर में आ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ए बी सी का अगर आपको इन्वर्स निकालना हो, तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हो जाएगा। बट इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभार वो यही प्रॉपर्टी ऐसे पूछ लेगा कि के मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। अब इसका जवाब ए इनवर्स के इनवर्स ही लिख देना, क्योंकि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन कर देगा कि वेयर के इज एनी स्केलर। के जो है ना, वो कोई स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब ही होता है बेटे नंबर। अब इसका मतलब के यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, किसी नंबर को शो कर रहा है। तो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो जवाब रहेगा के इनवर्स और ए इनवर्स। और आपको पता है के इनवर्स अगर कोई नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/k, और साथ में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स रेस। इसके अलावा बेटे जो प्रॉपर्टी है वो जहन में रखिएगा कि अगर कभी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो और इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज लेना हो, तो उसका जवाब वही आएगा जो ए ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इनवर्स निकालने से है। सही है? इतनी बात जरूर याद रखिएगा। तो किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना हो, तो वही जवाब आएगा कि पहले आप ट्रांसपोज निकालो और बाद में इनवर्स निकालो, या पहले इनवर्स निकालो और बाद में ट्रांसपोज निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बेटे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, अगर आपको दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड फॉर्म में गिवन हो और उसका ट्रांसपोज निकालना हो, तो इसके अंदर बेटे भी ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये बी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। सही है? तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड फॉर्म में गिवन हो, तो वही काम करना जो आपने इनवर्स के साथ किया था। इसके अंदर जवाब हो जाएगा सी ट्रांसपोज, बीच में आ जाएगा बी ट्रांसपोज और आखिर में आ जाएगा ए ट्रांसपोज। बाकी बेटे मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, उसके अलावा सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इंशाल्लाह होपफुली इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।